नियति इधर आओ। नियति यहाँ पे ही सुला दिया ना, नियति को बहुत तेज फीवर हो गया था। बांधती है राखी एक मासी के बेटे को, एक मामू के बेटे को। मैं बांध रहे एक, हम तीन बांध रहे हम तीनों को। लाइट अच्छे झुक के देख रहा है। हाय गाइस, मैंने सोचा था ब्लॉग बनाऊंगी लेकिन ब्लॉग बन ही नहीं पाया पूरा। सो अभी विदुष ने, नियति ने विदुष को राखी बांध लिया। अब मैं जाऊंगी मामू के घर में, वहां पे भी राखी बांधनी है लोगों को, सॉरी मामू को, मम्मी की राखी। और भी बहुत चलना पड़ता है यार। मस्त है, मस्त। तो गाइस यहाँ देखो मैडम वाला रूप आ रहा है, मैडम वाला रूप आ रहा है बाहर आस्ते। गलत हो गया थोड़ा निशाना। तो यहाँ पे आए हैं सौरभ की सिस्टर्स जो कि मासी की बेटियाँ हैं सब, तो वो हर साल इनको राखी बांधते हैं। गाइस ये राखी मेरे भाइयों को बहुत पैसे देना ताकि हर अच्छा बंदा लोग बन जाए गिफ्ट। इसके लिए इनको पहले बड़ा रुपया चाहिए। हाँ, ये गाइस कौन पापी लेके आए, ये कराइए, ये गरीब लड़की नीचे वो मिठाई समझी। तो गाइज यहाँ पे अब बारी है खुशी की। हम तीनों बहनें बांधती हैं राखी, एक मासी के बेटे को, एक मामू के बेटे को। मैं और बांधती हूँ, मेरे और भाई हैं। हमारे मेरी बुआ करते थे लेकिन जब शादी तो मैंने छोड़ दिया सब। को देख के रूबीना रिलैक्स जैसी फीलिंग आती है, रूबीना रिलैक्स जैसी है, इसलिए मोटा कैश निकालू। बोले मोटा कैश निकालू, मेरे को कौन बांध रहा है? वीडियो वीडियो तो है गाइस। अभी शाम का टाइम हो चुका है और हम कथा में जा रहे हैं। गांव में ही कथा है सत्यनारायण जी की, जहाँ पे देवता आए होंगे, जिसमें होंगे शिलोनू देवता जी और उनका निशान, मतलब शिलोनू देवता जी का निशान और एक और देवता जी होंगे आई थिंक, दोनों देवता जी होंगे मे बी, बाकी नीचे जाके पता चलेगा कौन से देवता है। और बुआ और मम्मी और आंटी आगे चले गए हैं। तो गाइज अभी हम रास्ते में पहुंच गए हैं, हमारे साथ बुआ वगैरह वो पीछे से आ रहे हैं। आज हमें जाना है यहाँ कथा में, तो एंट्रेंस ही काफ़ी अच्छा है और नया नया यहाँ पे पेंट हुआ है। दास जनों के संकट बंसी वाला दूर करे, तुमेव माता च पिता तुमेव। क्या करती हम आते हैं अपने गप्पों में मस्त हो जाते हैं, कथा में ध्यान नहीं देते हैं। पता है कि तपस्या करते करते वो इतने मगन हो जाते हैं एक दूसरे में कि उनका जो वर्ण है वो दूसरे में चले जाता है। जो भगवान भोलेनाथ का नीला वर्ण था वो जो भगवान विष्णु में अर्पण हो गया, और भगवान विष्णु का जो शुक्ल वर्ण था वो भगवान भोलेनाथ में अर्पण हो गया। नारायण भजपट नारायण।
के व्यापिनी देवी ज्वाला देवी नाम करुणावतार संसार सारं भुजगेन्द्र हारं सदा वसंत हृदय मनोरत पायो श्रद्धा तजदी क्या है बोल पाऊंगा बाथरूम तक जाना था, उसके बाथरूम छोड़ने आए थे तो वो बाथरूम गया था, वो तब तक हमने यहाँ पे देख रहे थे। और यहाँ पे एक चीज बड़ी कॉमन देखी होगी आपने कि हमारे हिमाचल में ना जो घर होते हैं वो हमेशा मैक्सिमम घर लकड़ियों के होते हैं। जैसे ही हम बाहर आए ना, मैंने देखा कि इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी यहाँ पे सत्यनारायण जी की आरती करने के लिए लोगों की, तो सब लोग ना यहाँ पे लाइन में लगे थे। और हमने क्या किया, जेंट्स के भी मतलब आगे जाके खड़े हो गए और फटाफट आरती दी और बाहर आ गए। और एक और चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी, जब हमारे यहाँ पे सत्यनारायण की पूजा होती है तो हमारे जो कुल देवता होते हैं, जैसे कि हमारे शिरोमणि देवता महाराज हैं, तो उनका यहाँ पे चिन्ह रखा गया है, और जो कि हमारे घर के बैक साइड में भी उनका मंदिर है। गाइस पहले परे बैठे, अरे बैठे इतना पलटे है ना कुछ हाँ बस दे दो, थैंक यू। कहाँ जगह, यहाँ दे दो थोड़ा सा। तो अब हम वापस चल पड़े हैं और यहाँ पे इतना ज़्यादा रश हो गया था, मतलब गाड़ियों का देख सकते हो बहुत ज़्यादा क्राउड, मतलब काफ़ी सारे लोग आए थे। और नेक्स्ट दिन ना मेरे को यहाँ पे आंटी का फ़ोन आया था मम्मी को कि मेरे को कन्याकुमारी में लेकर जाना, क्योंकि बाकी के सब बच्चे स्कूल जा चुके थे। तो मम्मी बोल रही थी कि नियति बीमार है, वहाँ पर नियति को फीवर था, मतलब रात को ही हो चुका था इसको फीवर, और उसका फीवर तो आके और यहाँ पर फिर उसका कन्याकुमारी होना था। इसी के साथ दो कन्याओं को रखा गया था, जो एक चिन्ह के रूप में रखा जाता है, जैसे आप साइड में अभी देखोगे। वो क्या करे, जय 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 तो यहाँ पे पूजा वगैरह की जा रही है। जैसे ये चिन्ह है ना, इनकी भी पूजा करनी पड़ती है, तो इनका यहाँ पे भी आरती वगैरह का टाइम है दीप्ति का, जो कि 11 बजे। तो गाइस वैसे मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैं तो अभी यहाँ पे मैं सुला दिया, मैंने नियति को बहुत तेज़ फीवर हो गया था कल रात को, तो कन्या पूजने में इनके घर आई थी और अब घर वापस जाना है, मैं 12 बजने वाला था, मैं इनको बोल देती हूँ कि छोड़ दो। ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। और अभी मैं पता नहीं किसके कमरे में बैठी हूँ, बट इनके भी सोनी है। और अभी मैं वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर पहली बार मेरे चैनल में आए हो तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।